सब्सक्राइब कीजिए स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल को और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सिंपल सेंटेंसेस के लेक्चर नंबर 2 में। गाइस, बेसिक्स फॉर बिगनर्स की जो सीरीज मैंने आपके लिए शुरू की है, इस प्लेलिस्ट में सिंपल सेंटेंसेस के फर्स्ट वीडियो लेक्चर को हम कवर कर चुके हैं। ये लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किए जाने के बारे में नहीं बताया गया होता, यानी ऐसा कोई भी सेंटेंस आप उठा लें जिसमें सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ कुछ बताया गया हो। ये नहीं कि सब्जेक्ट किसी काम को करता है, कर रहा है, कर चुका है, करेगा या उसने किया। अगर किसी काम को करने के बारे में बताया गया होगा तो फिर वो सेंटेंस हो जाता है टेंस कैटेगरी का सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस वो हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता। मैंने आपके साथ पिछले वीडियो लेक्चर में एक चार्ट भी शेयर किया था। चार्ट में आपने देखा कि ये सेंटेंसेस 3 कैटेगरीज के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की भी 2 कैटेगरीज, पास्ट की भी 2 कैटेगरीज, फ्यूचर की भी 2 कैटेगरीज। उस वीडियो लेक्चर में आपने सेंटेंसेस को पहचानना सीखा, लेकिन अब एक एक कैटेगरी में सेंटेंसेस को बनाना सीखना है। और सेंटेंसेस को बनाना सीखने के लिए आपके सामने कुछ वर्ड्स आएंगे सेंटेंसेस में। जब मैं आपके सामने सेंटेंसेस रखूंगा तो कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हैं, बिछा हुआ। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि चादर बिछी हुई है, तो बिछी हुई, ये बिछे हुए के लिए हम क्या कहें? या फिर मैं आपसे कहता हूं कि ये नियम मुझ पर थोपा हुआ है, थोपा हुआ, इसके लिए हम क्या यूज करें? या फिर कमीज, शर्ट कील में टंगी हुई है, टंगी हुई, टंगा हुआ, इसके लिए हम क्या यूज करें? तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो एक एक करके कवर करेंगे, एक एक सेंटेंस भी आपके सामने रखता जाता हूं, ध्यान से देखते जाइए और अपनी नोटबुक में इसको नोट भी करते जाना है। सबसे पहले आपके सामने है टूटा हुआ। अभी आप सिर्फ सुनते जाइए, समझते जाइए, टूटा हुआ। अच्छा, टूटा हुआ तोड़ने को क्या कहते हैं? अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, तोड़ने को कहते हैं ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना, BREAK। और टूटा हुआ जब मैं कहूं तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। सिंपल सेंटेंसेस में जब भी आपके सामने इस तरह से आया, किया हुआ, टंगा हुआ, रंगा हुआ, रुका हुआ, टूटा हुआ, मुड़ा हुआ, आपको करना क्या है? जो भी मेन वर्ब है, जो भी वर्ब होती है ना, जैसे टूटा हुआ में तोड़ना, रुका हुआ में रोकना, पिटा हुआ में पीटना, उसकी थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। ये आप नोट कर लीजिए। मुड़ा हुआ, मोड़ने को आप क्या कहते हैं? बेंड, BEND। और उसकी थर्ड फॉर्म बेंट का आप यूज करते हैं। अच्छा, किस तरह से यूज करते हैं जरा इसको देखें। टूटा हुआ, एग्जाम्पल, एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं, मैं कहता हूं खिड़की टूटी हुई है, विंडो इज ब्रोकन। खिड़की है क्या? टूटी हुई। अब देखिए, आप में से अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि यहां पर तो एक वर्ब आ गई, फिर ये सिंपल सेंटेंस कैसे हुआ? क्योंकि मैंने तो ये कहा था कि सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता। लेकिन ध्यान से सोचिए, यहां पर जो खिड़की है मेरा सब्जेक्ट, खिड़की क्या कोई काम कर रही है? नहीं कर रही है। केवल खिड़की के बारे में बताया गया है कि वो टूटी हुई है। तो यहां पर भले ही आपकी वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए ये है एक सिंपल सेंटेंस। और यही कारण है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं, मुड़ा हुआ, बेंट। अब देखिए एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं कि ये मार्कर मुड़ा हुआ है, ये मार्कर, दिस मार्कर, मेरे पास है एक है, दिस का आप यूज करते हैं, बता चुका हूं एक वीडियो में आपको, दिस मार्कर इज मुड़ा हुआ, बेंट, BEND, थर्ड फॉर्म है बेंड की, बेंड मतलब मोड़ना। फटा हुआ, एक पेपर आपके हाथ पे है, फाड़ना है उसको, आप फाड़ते हैं, फाड़ने को क्या कहते हैं? टीयर, TEAR। तो फटा हुआ के लिए आप क्या कहेंगे? टीयर की थर्ड फॉर्म, ठीक उसी तर्ज पे, TORN, टॉन। एग्जाम्पल, ये पेपर फटा हुआ है, ये पेज फटा हुआ है, दिस पेज इज
टॉन, ये पेज फटा हुआ था, तो यहां पर इज की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि इज है, वॉज है, विल बी है, उससे मतलब नहीं है, हमें इस पार्ट से मतलब है। देखिए, दिया हुआ, देने को आप कहते हैं गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस आर गिवन, 5 क्वेश्चंस हैं दिए हुए के लिए गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, थोड़ा सा एक आइडिया आपको बेहतर होता जाएगा आगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ भी आपके सामने आएगा। पाया हुआ, जैसे कोई चीज आपको पा जाती है, पाने के लिए आपको एक घड़ी पा जाती है, यानी आज घड़ी मिल जाती है, उसके लिए आप फाइंड का यूज करते हैं, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड का यूज। छिपा हुआ, ठीक इसी तर्ज पे छिपा हुआ, छिपने को आप कहते हैं हाइड, HIDE, और हाइड की थर्ड फॉर्म छिपा हुआ के लिए क्या यूज करेंगे आप, हिडन। एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि राहुल पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, राहुल इज हिडन, छिपा हुआ पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री, इस तरह से। रखा हुआ, रखने को आप कहते हैं कीप, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट। किताब टेबल पर रखी हुई है, द बुक इज, किताब है केप्ट ऑन द टेबल। यहां पर मैंने द का यूज किया, अगर मैं यहां पर द का यूज ना करके ऐसा कहता अ बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, तो देखिए इसमें फर्क है। मान लीजिए आप भी उस किताब के बारे में नहीं जानते, मैं आपसे कहता हूं कि एक किताब टेबल पर रखी हुई है, तब मैं कहूंगा अ बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। भले ही मैं एक ना कहूं, लेकिन आप नहीं जानते, इसलिए मैं कह सकता हूं किताब टेबल पर रखी हुई है, कोई किताब, एक किताब, तो कोई या एक के सेंस में क्या यूज करते हैं, लेकिन उस किताब के बारे में आप जानते हैं। मान लीजिए आप ही मुझसे पूछ रहे हैं, अरे मेरी किताब कहां गई जो मैंने आपको दी थी, और तब मैं कहता हूं किताब टेबल पर रखी हुई है, तो वो किताब तो आप ही की है, आप तो जानते हैं उसके बारे में, इसलिए वहां पर आप यूज करते हैं द का। हालांकि आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर में ये बात मैंने बताई भी है कि द का यूज क्यों किया जाता है, फिलहाल यहां पर जस्ट एक आइडिया आपको दिया। अब देखिए नेक्स्ट है डरा हुआ, डराने को आप कहते हैं स्केयर, तो डरा हुआ के लिए आप कहते हैं स्केयर्ड, जैसे हम कहते हैं ना मैं डरा हुआ हूं, आई एम scared, या फिर आप डरे हुए हो, यू आर scared। लिखा हुआ के लिए, लिखने को आप कहते हैं राइट, लिखा हुआ के लिए आप कहते हैं रिटन। अब देखिए जैसे कई बार हम इस तरह से कहते हैं ना, इस किताब में लिखा हुआ है, लिखा हुआ, ये इस किताब में लिखा हुआ है। आपने मुझसे बोला कि बताइए इस बारे में, आप बताइए, मैंने कहा देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप कहते हो ये कहां पढ़ा आपने, मैंने कहा ये इस किताब में लिखा हुआ है, ये है, दिस इज, ये है लिखा हुआ, रिटन इस किताब में, इन दिस बुक, इस तरह से मैं कह सकता हूं। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने बिका हुआ, बेचने को आप कहते हैं सेल, तो बिका हुआ को आप कहेंगे Sold। आप मेरी शॉप में आते हैं और मैं आपसे कहता हूं कि, आप कहते हैं सर मुझे ये बुक चाहिए, मैं कहता हूं ये बुक बिकी हुई है, ये बुक बिकी हुई है, दिस बुक इज, या मैं कुछ थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, ये बुक पहले ही बिकी हुई है, पहले ही, दिस बुक इज ऑलरेडी सोल्ड, आप इसे नहीं खरीद सकते, ये बुक पहले से ही बिकी हुई है। नेक्स्ट कहा हुआ, कहने को आप कहते हैं से, से की थर्ड फॉर्म सेड, ये कहा हुआ है कि वो कल अमेरिका जाएगा, ये कहा हुआ है, इट इज सेड, ये है कहा हुआ दैट, कि वो कल अमेरिका जाएगा, ही विल
go to America tomorrow. इस तरह से. नेक्स्ट सेंटेंस, बताया हुआ. बताने को आप कहते हैं टेल. टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड. उसे बताया हुआ है, ही इज टोल्ड इसके बारे में, अबाउट इट. ही इज टोल्ड अबाउट इट. उसे इसके बारे में बताया हुआ है. रुका हुआ. रोकने को आप कहते हैं स्टॉप. स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वो आपके लिए रुका हुआ है, या फिर राहुल आपके लिए रुका हुआ है. राहुल है, राहुल है. क्या है राहुल? रुका हुआ, स्टॉप्ड. किसके लिए? आपके लिए, फॉर यू. रंगा हुआ. रंगा हुआ यानी जैसे हम कहते हैं ना कि ये रंगा हुआ है, कोई कार है उस पर कलर हो रखा है, रंगा हुआ है उसको. तो कलर, कलर एक वर्ड है जिसके दो मीनिंग है. अगर आप नाउन की बात करें तो रंग का मतलब, कलर का मतलब है रंग, और जब एज अ वर्ब आप यूज करते हैं उसका मतलब होता है रंग करना यानी रंगना. तो कलर की थर्ड फॉर्म होती है कलर्ड. रंगा हुआ, कलर्ड. एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, यहां पर जो स्पेलिंग में यू है, अमेरिकन इंग्लिश में यू का यूज नहीं किया जाता, और ब्रिटिश इंग्लिश में, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, ब्रिटिश इंग्लिश में हमेशा यू का यूज किया जाता है. जब आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो आप अक्सर ये देखते होंगे कि वहां पर अगर आपने ये लिखा तो वो अपने आप ऑटो करेक्ट करता है और यू को हटा देता है. इसका कारण क्या है? कि जो कीबोर्ड है वो यूएस कॉन्फ़िगर्ड कीबोर्ड होता है, इसलिए. हालांकि इंडिया में हम दोनों को फॉलो करते हैं, आप ऐसे लिखें या फिर यू को हटा दें, बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रंगा हुआ के लिए आप कहते हैं कलर्ड. एग्जाम्पल हो सकता है, ये कार रंगी हुई है. दिस कार इज कलर्ड. ये कार है कलर्ड. टंगा हुआ, टांगने की बात करते हैं. आप किसी शर्ट को टांगते हैं, आप कहते हैं शर्ट टंगी हुई है. टांगने के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं? हैंग. अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैंग. इसके दो मीनिंग है. एक तो है किसी चीज को टांगना यानी लटकाना, और इसका एक मीनिंग और है, फांसी पे लटकाने के लिए यूज किया जाता है इस वर्ड को. जब इसे फांसी पे लटकाने के पर्पज से यूज किया जाता है तो इस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैंग्ड. बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं. दूसरा हैंग जो होता है, जिसका मतलब है किसी चीज को टांगना या लटकाना, इसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड नहीं होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग, और थर्ड फॉर्म भी होती है हंग. हम कहते हैं टंगा हुआ, हम यहां पर किसी चीज को टांगने की बात करते हैं. तो जब हम टांगने की बात करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म हंग. एग्जाम्पल, मेरी शर्ट टंगी हुई है. My shirt is hung. इस तरह से आप बोलेंगे. किया हुआ. करने को आप क्या कहते हैं? करने को आप कहते हैं do. किया हुआ, do की थर्ड फॉर्म done. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस आप कर रहे हो, मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं. आप कहते हो नहीं, ये क्वेश्चन किया हुआ है. This question is done. Question is done. इस तरह से आप कहते हैं. पूछा हुआ. पूछा हुआ के लिए आप क्या कहते हैं? पूछने को आप कहते हैं ask. पूछा हुआ के लिए आप कहते हैं asked. Third form asked की asked. Example क्या हो सकता है? मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इस exam में ये question पूछा हुआ है. पूछा हुआ. This question is asked in this exam. इस एग्जाम में यह क्वेश्चन है क्या? पूछा हुआ. इस तरह से. थका हुआ. थकाने को टायर कहते हैं. टायर की थर्ड फॉर्म टायर्ड. टायर्ड का एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, आप अक्सर सुनते हैं. मैं थका हुआ हूं.
आई एम टायर्ड, आप थके हुए, यू आर टायर्ड, सुना हुआ। जब आप कुछ सुनते हैं तो उसको हियर कहते हैं आप, तो सुना हुआ। हियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हर्ड। एग्जाम्पल, ये कहानी बचपन में सुनी हुई है। दिस स्टोरी इज हर्ड इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट, सजाया हुआ। सजाने को आप क्या कहते हैं? डेकोरेट करना, डेकोरेट करना कहते हैं, तो डेकोरेटेड थर्ड फॉर्म। इसे गलत प्रोनाउंस नहीं करना है, इसे ये नहीं कहना है डेकोरेट, डेकोरेट नहीं, को नहीं, क क अ का साउंड आता है, डेकोरेटेड सजाया हुआ। एग्जाम्पल, उसका घर अच्छे से सजाया हुआ है, इज डेकोरेटेड वेल, हिज हाउस इज डेकोरेटेड वेल। कटा हुआ, कटा हुआ, काटने को या कटने को आप कट का यूज करते हैं, कट, सी यू टी, कट। और कट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कट। फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकेंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट। मैं आपसे कहता हूं, ये केक कटा हुआ है, दिस केक इज कट, ये केक है कैसा? कटा हुआ। हिला हुआ, हिलना या हिलाना के लिए आप यूज करते हैं मूव, और मूव की थर्ड फॉर्म होती है मूव्ड। मैं आपसे कहता हूं कि ये चेयर अपनी जगह से हिली हुई है, ये चेयर, दिस चेयर, दिस चेयर इज है, क्या है? हिली हुई, मूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, इसकी जगह, अपनी जगह से हिली हुई है। नेक्स्ट आपके सामने है पढ़ाया हुआ। पढ़ाने को आप कहते हैं टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। एक बात हमेशा ध्यान रखें, पढ़ाना या सिखाना, जैसे मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, सिखाने को भी आप टीच कहते हैं, और सिखाना, सिखाया हुआ या पढ़ाया हुआ, दोनों के लिए आप क्या यूज करेंगे? टॉट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपको सिखाया हुआ है, यू आर टॉट अबाउट इट, आपको इस बारे में पढ़ाया हुआ है या आपको इस बारे में सिखाया हुआ है। यहां पर थोड़ा सा रुकता हूं मैं, और जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं। मैसेज क्या देना चाहता हूं? इन सभी सेंटेंसेस को अगर आप देखें, इज, एम, इज, वॉज, वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं, और ऐसा कहां पर होता है? पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में भी होता है। अगर मैं पैसिव वॉइस में इन सेंटेंसेस को मान लूं, हालांकि अभी तो सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो इस सेंस में हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन दिस क्वेश्चन इज डन, इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी तो समझ सकता हूं, ये क्वेश्चन किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हिज हाउस इज डेकोरेटेड वेल, उसके घर को अच्छे से सजाया जाता है। दिस केक इज कट, ये केक काटा जाता है। दिस चेयर इज मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, इस चेयर को अपनी जगह से हिलाया जाता है। यू आर टॉट अबाउट इट, आपको इस बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां पर मैं नहीं जा रहा हूं, वो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में होगा। तो इन सेंटेंसेस के मल्टीपल सेंस हैं। एक सेंस है किसी सुना हुआ, थका हुआ, पूछा हुआ, और दूसरा सेंस है पूछा गया, थका गया, थकाया गया, ये है पैसिव वॉइस। फिलहाल इस पे नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिलाया हुआ, यहां पर आप मिलाने की बात कर रहे हैं, मिलाना, जैसे कि दूध में पानी मिलाना या एक कलर में दूसरे कलर को मिला देना, मिलाने को आप कहते हैं मिक्स करना, मिक्स की थर्ड फॉर्म मिक्स्ड। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि इस दूध में कुछ पानी मिला हुआ है या मिलाया हुआ है, कुछ पानी, सम वॉटर इज, है मिलाया हुआ इस दूध में, इन दिस मिल्क, नंबर वन।
इंपॉर्टेंट है ये, बिछा हुआ। बिछाने को आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आप बेडशीट को आप कहते हैं ना बिछा दो, ले ले द बेडशीट, एल ए वाई ले, और ले की थर्ड फॉर्म लेड। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सिंपल, मैं आपसे कहता हूं तीन बेडशीट्स या तीन शीट्स बिछी हुई हैं। थ्री बेडशीट्स आर लेड प्रॉपरली। मान लीजिए इस तरह से थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, तीन बेडशीट्स हैं क्या बिछी हुई, कैसे प्रॉपरली। नेक्स्ट आपके सामने है थोपा हुआ। थोपने को आप क्या कहते हैं? थोपने को आप कहते हैं इंपोज करना, जैसे आप पर कोई चीज थोपी जा रही है तो इंपोज, और इंपोज की थर्ड फॉर्म होती है इंपोज्ड। एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं ये काम मुझ पर फालतू में थोपा हुआ है, ये काम मुझ पर फालतू में थोपा हुआ है। देखिए किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं, दिस वर्क इज इंपोज्ड ऑन मी, ये काम है थोपा हुआ मुझ पर, ऑन मी फॉर नो रीजन, फालतू में, फालतू में काम है ना, फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन मतलब किसी कारण के बिना, फालतू में। नेक्स्ट आपके सामने पीटा हुआ। पीटने को आप कहते हैं बीट, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन का आप यूज करते हैं, और एग्जाम्पल वो लड़का पिटा हुआ है, दैट बॉय इज बीटन, बुरी तरह पिटा हुआ है। मान लीजिए इस तरह से थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, दैट बॉय इज बीटन बैडली। तो ये तो है एग्जाम्पल यहां तक। आपने देखा कि अब तक हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया, लेकिन अब यहां पर आते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता है कि नहीं थर्ड फॉर्म का यूज होना है। 99% केसेस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन फिर भी 1% एक्सेप्शनल केसेस हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। गाइस जब हम कहते हैं सोया हुआ, सोया हुआ के लिए आपके मन में आएगा कि सोने को आप कहते हैं स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट का यूज करना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज होता है अस्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि अलग से एक वर्ड है अस्लीप। जगा हुआ, आप किसी को जगाते हैं, आप उसको वेकअप करते हैं, वेकअप, वेक की थर्ड फॉर्म होती है वोकन, तो वोकन आपका यूज किया जा सकता था, लेकिन एक्सेप्शनल केस है और एक अलग ही वर्ड इसके लिए यूज होता है अवेक, मरा हुआ। मरा हुआ आपके मन में कहीं ना कहीं आएगा डाई, डाई से बनता है डाइड, डाइड। तो यहां पर डाइड कहने के बजाय क्या यूज किया जाता है? डेड। हालांकि डाइड का भी यूज किया जाता है कहीं कहीं पे, ऐसा नहीं है आप डाइड का यूज करेंगे गलत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड डेड का भी यूज किया जाता है। आधा खुला हुआ, खुला हुआ, खुला हुआ आधा, आधे को आप हाफ कहते हैं, खुले हुए को आप क्या कहेंगे? खोलने को आप कहते हैं ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। तो आप सोचेंगे आधा खुला हुआ के लिए हाफ ओपन्ड, लेकिन हाफ ओपन नहीं बल्कि इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, वो है अजार। बैठा हुआ, अब यहां पर देखिए, यहां पर तो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए गए जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है थर्ड फॉर्म से। बैठा हुआ के लिए, जैसे बैठ रहे के लिए आप सिटिंग कहते हैं ना, सिटिंग आईएनजी लगाते हैं, बैठा हुआ के लिए भी आप सिटिंग कहते हैं। अभी एग्जांपल आपको देता हूं, खड़ा हुआ के लिए भी आप स्टैंडिंग कहते हैं, यहां पर आप थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर रहे हैं सिट या स्टैंड की, आप क्या कह रहे हैं? स्टैंडिंग। पहना हुआ आपके दिमाग में आएगा, पहनने को तो वियर कहते हैं, वियर की थर्ड फॉर्म वोन का यूज किया जाए, नहीं वोन का यूज नहीं किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? वियरिंग। या फिर लेटा हुआ, लेटने को ना, लेटने को या लेटाने को आप लाए कहते हैं, एल आई ई, जिस लाए का एक मतलब होता है झूठ बोलना, लेकिन दूसरा क्या है? लाए, लेटाना। लेकिन यहां पर लेटा हुआ के लिए आप क्या यूज करेंगे? लाए की फोर्थ फॉर्म लाइंग का यूज। और पड़ा हुआ, पड़ा हुआ उसके लिए भी आप यूज करते हैं लाइंग। तो ये हैं एक्सेप्शनल केसेस, ये चार एक तरह के और ये आईएनजी
फॉर्म के साथ। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि वो सोया हुआ है, ही इज, वो है क्या, सोया हुआ, अस्लीप। वो जगा हुआ है, ही इज, सॉरी ये ए कैपिटल में आप नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है। अवेक, वो मरा हुआ है, ही इज डेड। अजार, आधे खुले में कैसे, किस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दरवाजा आधा खुला हुआ है, डोर इज अजार। या फिर मैं आपसे कहता हूं दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस यूज किया जाता है, कीप द डोर अजार। नेक्स्ट, राहुल बैठा हुआ है, राहुल इज सिटिंग, सिंपल। राहुल खड़ा है, खड़ा है यानी खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ, खड़ा होना उसकी अवस्था है, राहुल इज स्टैंडिंग। राहुल ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, राहुल इज वियरिंग, राहुल इज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट, अ व्हाइट शर्ट। आपने ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है, यू आर वियरिंग अ ब्लू टी शर्ट। बच्चा लेटा हुआ है, एक छोटा बच्चा है आपके घर पे, आप कहते हैं बच्चा लेटा हुआ है, तो वो बच्चा तो आप जानते हैं उसको, द का आप यूज करते हैं, द किड इज लाइंग, कहां पर लेटा हुआ है, मान लीजिए आप कहते हैं बिस्तर पर लेटा हुआ है, ऑन द बेड। या फिर आप पड़े हुए के लिए भी देखिए किस तरह से, जैसे आप कहते हैं कि मोबाइल टेबल पर पड़ा हुआ है, द मोबाइल इज लाइंग ऑन द टेबल। पड़ा हुआ, लेटा हुआ के लिए आप यूज करते हैं लाइंग का। तो गाइस आपने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग है, जब मैं सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को बनाना आपको सिखाऊंगा तो ये वर्ड्स वहां पर आएंगे, और जब मैं फटे हुए के लिए टॉन का यूज कर लूंगा, या हंग का यूज कर लूंगा टंगा हुआ के लिए, या फिर कहीं पे मैं आईएनजी फॉर्म का यूज कर लूंगा, या कहीं पे किसी पर्टिकुलर एक वर्ड का यूज कर लूंगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कहीं पे थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, कहीं पे आईएनजी का यूज हो रहा है, कहीं पे एक डिफरेंट वर्ड का यूज हो रहा है। तो आज इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके लिए सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को बनाते वक्त दिक्कतें नहीं आएंगी। गाइस आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में भी, और आप इसको याद कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तो वहां पर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपके जो भी फ्रेंड्स बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इस प्लेलिस्ट के तहत जितनी भी वीडियोस आ रही हैं एक एक वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और इंग्लिश सीखें। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टेक केयर, गुड बाय।